सीएम शिवराज सिंह चौहान का संदेश जनता के नाम। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर, कोरोना नियंत्रण को लेकर, टीकाकरण को लेकर और ऊर्जा साक्षरता को लेकर वो तमाम बातें रखी। जिस तरह से कल कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी, उसके बाद जो भी प्रतिबंध अब अनलॉक की स्थिति में लगे हुए थे वो सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू से लेकर मैरिज गार्डन से लेकर सभी चीजें खोल दी गई है, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से ये अपील की है। दूसरे डोज पर सबसे ज्यादा जोर उन्होंने दिया है कि जिसने अब तक दूसरा डोज नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द लगवाए। महाअभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उसका वेट ना करे, उसके पहले ही दूसरा डोज लगवा ले। उसके बाद टेस्टिंग को लेकर भी जोर दिया कि हर रोज टेस्ट हो रहे हैं कोरोना को लेकर, तो टेस्ट करवाए, अगर बढ़ता है कोरोना तो जल्द से जल्द पता लग जाएगा और जो भी आवश्यक चीजें हैं उसकी व्यवस्था हो पाएगी। इसी के साथ ऊर्जा साक्षरता को लेकर भी उन्होंने लोगों से अपील की कि जितना हो सके बिजली बचाएं, जहां यूज नहीं है बिजली का उपयोग ना करें। रुक कर लेते हैं अब खबरों का। ग्वालियर के दीनदयाल नगर में आधा दर्जन बदमाशों ने कपड़ा कारोबारी की दुकान में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि उसकी बेरहमी से मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई। हालांकि घटना का वीडियो वायरल होने से व्यवसायियों में आक्रोश बताया जा रहा है। हमलावर आसपास के ही इलाके के बताए जा रहे हैं। वे हाथों में डंडे और हॉकी स्टिक लिए हुए थे। वही घटना के बाद दुकानदार ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई तो वही पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूरज है और मैं दीनदयाल नगर ग्वालियर में कोठारी हाउस पे, मेरी एक कपड़े का बिजनेस है और जूतों का बिजनेस है, दुकान है मेरी। तो मैं अपनी दुकान चला रहा था, कल कुछ गुंडे आके मतलब मेरे को नीचे से आवाज़ लगाई उन्होंने और पूरा घेरा लगा के उन्होंने मतलब मेरे को चारों तरफ से घेर लिया और दुकान में तोड़ताड़ कर दी और पैसे वैसे मांग रहे थे, अपने पैसे देने से इनकार कर दिया उन्होंने, तुरंत तोड़ी और मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमें चोट, ये पूरा हाथ फट गया और छोटे भाई में चोट लगी। पहले भी हम लोगों ने गुजर आए दिन यहाँ पर हमें परेशान करते हैं, हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। थाने में हमने पहले भी आवेदन दिया था, पहले सिर्फ धमकियाँ देते थे, डराते थे, तब भी हमने आवेदन दिया, उस FIR पे भी लास्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जाके उन्होंने ये मारा पीट कर दी है बहुत बुरी तरह, हमें घायल कर दिया। कल शाम की घटना है, फरियादी सूरज कुशवाहा के द्वारा यहाँ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो जो है कोठारी हाउस पे जूतों का और कपड़ों का शोरूम चलाते हैं। उसी दौरान जो है हरिओम डंगस, गोलू डंगोस और गिरिराज नानक तीन अपने अन्य साथियों के साथ आया था, इनसे पैसे ऐसो की मांग कर रहा था। उसी आधार पर जो है पुलिस ने मुकदमा कायम किया है इन लोगों के खिलाफ। फुटेज को भी देखा गया है, फुटेज में भी वो जो है कांच वाँच फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी